विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक गगन भगत एक बार फिर विवाद में आ गए हैं। इस बार उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक महिला की पिटाई की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाएंगे बाद में कि वो किस तरह से उस वीडियो में साफ दिख रहे हैं कि गगन भगत जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के, वो एक महिला के साथ उलझ रहे हैं। जिन पर जिनकी पिटाई की जिन्होंने आरोप लगाया है वो विक्टिम जो महिला वो हमारे साथ है। सरपंच है आप? हाँ जी सर। कहाँ के? सर नाम क्या है? सर सीमा देवी। सीमा देवी कहाँ के सरपंच आप? सर जिंदर पंचायत की। हुआ क्या था पूरा मामला, क्या है ये? सर पूरा मामला ये है कि सर 3 दिन पहले हम एसटीएम एक्शन के पास गए, वहाँ पे हमें मैंने उनको बोला कि हमें ट्रांसफार्म की ज़रूरत है। सर उसके बाद एक्शन साहब ने बोला कि हम आपको 3-4 दिन के बाद कॉल करेंगे और ट्रांसफार्म भेजेंगे। फिर सर उन्होंने ट्रांसफार्म भेजा और ट्रांसफार्म भेजने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने पर उसने बोला कि मैंने ट्रांसफार्म भेजा और जाओ मैम उधर जाके देखो। कहाँ का इलाका है ये? पंचायत जिंदर पंचायत। अच्छा। हाँ सर। तो सर जब हम एक्शन के पास गए, मेरे पास सबूत भी हैं, हम एक्शन के पास गए। हाँ सब जो डिपार्टमेंट वाले हैं ना वो सारे ऐसे डरते हैं गुंडे से, XMLA से सारे डिपार्टमेंट वाले डरते हैं ऐसे। फिर सर जब मुझे फ़ोन आया एक्शन का कि वहाँ पे जाओ ट्रांसफार्म देखो, यहाँ पे आप इस टाइम सरपंच हो, सर जो भी फ़ोन करेगा मुझे ही करेगा ना, XMLA को थोड़ी ना करेगा वो फ़ोन कि जाओ उस पंचायत में ये काम हो रहा है वो हो रहा है। तो सर उसके बाद मैं जब वहाँ पे गई, सर वहाँ पे मैंने एक बुज़ुर्ग को बोला, चाचा जी आप इनको पूछो कि ट्रांसफार्म इसने भेजा जहाँ हमारी पंचायत में आया जहाँ मैंने वहाँ पे बोला था, कोशिश की थी। तो सर उन्होंने बोला कि क्या तू चीफ मिनिस्टर है? सर मैंने इसको बोला क्या अब तू क्या है, मैं तो फिर भी लोगों की चुनी हुई सरपंच हूँ, इलेक्टेड सरपंच हूँ, गवर्नमेंट ने इतना खर्चा करके सरपंच चुना है हमें, तो अब ये बोल रहा है कि मैं सरपंचों पंचों की चलने नहीं दूंगा, ये सारे गुंडे हैं। हाँ गगन भगत ने मुझे, हाँ बहस हो रही थी उसके बाद इसने मेरे पे हमला किया। और जो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो दर्शन जी, उसको भी सर पिटाई की, उनकी भी वीडियो है मेरे पास, उसने मेरी कितनी हेल्प की है पंचायत में, सब कुछ है मेरे पास। मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि ये है वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, एक मिनट थोड़ा क्लोज करिए ये है वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है। ये किसी चीज़ पर बहस हो रही है, ये पीली टी शर्ट में गगन जी है ना, ये पूर्व विधायक हैं आरसपुरे के ना, और मौजूदा ये इस वक्त एनसी के ज्वाइन की है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक चुने गए थे, लेकिन विवादों में रहने वाले गगन भगत पर कुछ ऐसे आरोप लगे कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर उन्होंने एनसी का दामन थामा। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह ये वो सरपंच है। तो ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला सरपंच को किस तरह से, मतलब उन्होंने आपको पिटाई की आपकी, क्या इसके PSO भी इसके साथ है, 2 गुंडे भी थे जिन्होंने मेरे पर अटैक किया। हाँ सर अभी भी मुझे थ्रेट देते हैं कि आपको जान से मार देंगे, आपकी सरपंची चले देंगे। गुस्सा क्यों आ गया इतना विधायक जी को, जो पूर्व विधायक है उनको गुस्सा क्यों आ गया? सर ये नहीं मुझे पता, वो नशे में करता जो भी करता है। नशे में करता है, जब भी आता है हमारे गाँव में नशे में होता है। सर आपको कैसे पता नशे में? आपने मेडिकल करवाया क्या उनका? मेडिकल तो वो लगवाता है ना, इंसान देखने में पता चल जाता है किसने नशा किया कि चाहे नहीं किया। नहीं तो ये तो आपके आरोप है ना, ये बताइए कि ट्रांसफार्मर लगा कि नहीं लगा ट्रांसफार्मर? सर दूसरे दिन कल ही इसने, जब हम इधर थे, एक तो इसने इसका पर्चा नहीं बनता था मेरे पे, क्योंकि इसने हमारी पंचायत में जाके मेरे पे हमला किया है, अटैक किया है, तो इसने मेरे ही खिलाफ जहाँ पे पर्चा लगाया, SHO ने कैसे मेरे खिलाफ पर्चा लगाया? तो आपने उस वक्त पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई इनके खिलाफ? सर मैं बहुत देर के बाद आई थी। अच्छा। हाँ शाम को आई थी। तो आप उस वक्त नहीं गए? सर नहीं मैं उस वक्त नहीं गई, हाँ मेरा मेडिकल हो रहा था। अच्छा। सर मैं उसके बाद। तो अब SDM के यहाँ पर कैसे आया? सर SDM के पास भी हम कंप्लेन करने के लिए आए कि इनका मेरी कोई इंसाफ मांगने के लिए, मेरे साथ मेरी पूरे में की बुला के सरपंच आए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो पूर्व विधायक गगन भगत है वो किस तरह से एक महिला के साथ जो कि सरपंच है, जो इस वक्त सरपंच है,
अधिकार दिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए थे तो सरकार की यही कोशिश थी कि जो पावर है उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी कि हर घर के हर उस पंचायत में सरपंचों पंचों को दी जाए ताकि जो समस्याएं हैं वो हल कर सके। ट्रांसफार्मर की एक समस्या थी, ट्रांसफार्मर को लेकर ये सब कुछ हंगामा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि गगन भगत को इतना गुस्सा क्यों आता है और क्यों उन्होंने एक महिला सरपंच की पिटाई कर दी, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपा खोया। हालांकि गगन भगत ने भी इनके खिलाफ पर्चा लगा दिया है, लेकिन ये लेट पहुंचे, आप लेट पहुंचे, आपका बाद में हुआ, लेट पहुंची थी। तो क्या कहेंगे अब आप? सर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और क्या करना, सरकार से यही मेरा कहना, मेरी जान को खतरा है। हाँ, थ्रेट देता है जो मुझे, क्या कहते हैं कि मरवा देंगे, मेरे पास ये हर गांव में इसने गुंडे पैदा किए हुए हैं। सर आप थे उस वक्त, कौन था यहाँ? हम सभी जो लोग हैं, ये मीरा साहब ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के सभी सरपंच ओहदेदार हैं, ये सभी सरपंच लोग हैं। अच्छा, आप भी सरपंच? हाँ जी। हाँ, आपकी बिरादरी के एक, आप ही की बिरादरी के एक सरपंच को की पिटाई कर दी जाती है पूर्व विधायक की तरफ से, और वो तो इनके खिलाफ पर्चा लगा देते, तो आप कहाँ थे उस वक्त? आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब हमें पता चला, हमने इमीडिएटली पहले अपनी मीटिंग की सरपंच एसोसिएशन मीरा साहब ब्लॉक की तरफ से, फिर उसके बाद आज मैम को कॉल करके इनको भी, फिर भी हमने अपने ऑफिस में जो सरपंच एसोसिएशन का है वहाँ पर मीटिंग करके वहाँ पर कड़ा फैसला लिया गया है कि ये पूर्व विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आपने अभी अभी मैडम से पूछा कि जो विवादों में रहने वाले MLA जो आपने असेंबली में भी देखा था, वहाँ पर भी मारकूट हुई इनके साथ, इन्होंने की उनके साथ। तभी पीछे जाइए आप, थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं, पहली पंचायतों में भी हमारे यहाँ पर मीरा साहब ब्लॉक की BDO मैम के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, उस वक्त पावर में रहते हुए गन के पॉइंट पर, वहाँ से रिकॉर्ड पूरा कलेक्ट करके लिया। अगर उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, जब ये पावर में थे तब भी इन्होंने हमारे ट्रांसफार्मर जो ग्रिड स्टेशन है उनको रोकने का कोशिश की। हमने 10-10 दिन कुलिया में मेन रोड पर ब्लॉक करके, हमने जैसे देश को आज़ाद कराया एजिटेशन कर करके, वैसे हमने आर्सपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी को लोगों को रोड पर आकर अपने हक की गुहार लगाई। आपको लगता है, मैं आपको बता दूं कि जब सरपंचों को शपथ दिलाई गई थी वहां पर, तो गवर्नर साहब ने स्पेशल कहा था कि इनका ओहदा बहुत बड़ा है, इनके पास बहुत पावर है, लेकिन ये पावर आप देख लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर को लेकर, ट्रांसफार्मर को लेकर एक सरपंच की पिटाई हो जाती है। ये तो आपकी, अब मैं कहूंगा कि आप कहोगे कि ये तो आपका सम्मान है, ये तो आपकी इज्जत कर रहे हैं। इसी बात में बताना चाहता हूं आपको, जब हमारी ओथ 8-3 को हुई थी तब माननीय गवर्नर साहब ने ये बोला था कि सरपंच साहिबानों को गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी किसी टाइम आकर मुझे मिल सकते हैं, और विभाग के अधिकारियों को भी चाहिए सभी कि सरपंचों के साथ मिलकर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, उनकी अर्नर किया जाए, इनको रिस्पेक्ट दी जाए। यही ही यहाँ का पूर्व MLA है यहाँ पर, जो हमारे सरपंच सेवानों को खास करके लेडी के साथ ऐसा जो खिलौने हरकत की जा रही है, मैं तो मोदी गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। इनके खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है, जो इनकी दादागिरी यहाँ पर चलती है पूरे सब डिवीज़न में, इसको ब्रेक किया जाए। और मैं ये भी डिमांड करता हूँ प्रशासन से कि सरपंचों का मान और सत्कार दिया जाए, वरना मीरा साहब ब्लॉक के सरपंचों ने कड़ा फैसला लिया है कि सरपंच एसोसिएशन के एजेंडे के नीचे जे अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मीरा साहब ब्लॉक के सभी सरपंच जाकर DC साहब के टेबल में या गवर्नर साहब के टेबल में अपने रिजाइन देने के लिए भी तैयार। आपको लगता है कि सिर्फ कागजों में ही ये कहा गया था या भाषण में ही कि सरपंचों की को इज्जत दी जाए, विभाग के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके साथ तालमेल बनाकर रखे, आपको बकायदा पावर दी गई है कि छोटे छोटे जो मसले हैं वो आपने सुलझाने हैं? मैं लगभग तीसरी दफा सरपंच बना हूँ, दो दफा मेरे फादर साहब भी रहे हैं, हमारे होते हुए जितने भी आज तक MLA बने हैं, आज तक जितनी जो गुनूनी हरकत हमारे इस MLA साहब ने, पूर्व विधायक ने की है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जैसे जो सवाल आपने किया है, जब से फादर साहब इलेक्शन लड़ते थे आज तक मैं देख रहा हूं वो सब कागजों में ही है, जो सरकारें कहती हैं वो ग्राउंड में करती नहीं। उसका उदाहरण आप छोटा सा देख लें, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारें क्या कहती हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है।
एक महिला आगे काम करने के लिए आती है, आपको पता है महिलाओं को बाहर आने के लिए कितने ताने, कितना शाही सब कुछ। दूसरा ये है कि एक वीडियो इतना जबरदस्त सर्कुलेट हो रहा है और उसमें दिख रहा है कि पूर्व विधायक किस तरह से एक महिला सरपंच के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हालांकि उस वीडियो में इतना क्लियर, लेकिन ये है कि उसमें वो दिख रहा है कि झड़प हो रही है, हाथापाई हो रही है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी मुझे लगा पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था कि यहाँ पर आने से पहले। आज मुझे बड़ा अफसोस, पुलिस तो खुद कर सकती थी। अफसोस बड़े ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसपे पुलिस कार्रवाई कर लेती है, संज्ञान में लेती है, अधिकारी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमने सारे सरपंच पूरे ब्लॉक इकट्ठे हुए और हम SDM साहब के पास आए इसी सिलसिले में कि जो FIR या पूर्व विधायक साहब वहाँ गए, इसको पीटा, इसको पीटने के बावजूद वीडियो वायरल हुई, सब कुछ हुआ, वो देखकर भी हमारा प्रशासन। मामला है कब का? 27 तारीख का। ये परसों, मतलब आज कितनी है? 3 दिन पहले। 27 को, हाँ। ठीक। सवाल ये, हाँ जी। उसको देख के भी, वीडियो वायरल देख के भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्चा फिर भी सरपंच महिला के खिलाफ लगाया, उसके खिलाफ नहीं लगाया। हालांकि वो यहाँ से गए, झगड़ा वहाँ हुआ, आप जाए मैं जाए किसी को मारने के लिए, उसको पे पर्चा नहीं, पर्चा जो पिटाई कर रहा है उस पे लग रहा है। ये आप देखें, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये हरकतें हैं, आप इसी से हिसाब लगाएं कश्मीर तो में। तो क्या ये सवाल ये भी बनता है, तो क्या ये खोखले वादे हैं कि महिलाओं को सम्मान दीजिए, बराबरी का हक दीजिए? जब एक महिला सरपंच बनी है और अगर वो अपने अधिकार के क्षेत्र में रहते हुए, अपने अधिकार जो उनका क्षेत्र है उसमें रहते हुए ट्रांसफार्मर लगवाती हैं, तो इतना विवाद की? और दूसरा ये है कि एक महिला पर इस तरह से हाथ उठाना, ये कहाँ का एक चलन है? और दूसरा, क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और इस बेटी को देखिए किस तरह से पिटाई कर दी गई, वीडियो वायरल हो रहा, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं? लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई रसूखदार होते, कोई रसूखदार महिला होते, तो शायद उनके फेवर में लोग सड़कों पर भी उतर आते, अगर ऐसा होता। क्यों सर? नहीं, अभी अगर प्रशासन ने जो कोई कार्रवाई नहीं की तो ये देश आज़ाद देश है हमारा, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद किया है, तो गरीब का भी उतना सम्मान होना चाहिए और इस प्राइम मिनिस्टर का भी उतना बराबर का ही सम्मान होना चाहिए। अगर प्रशासन ने ये कार्रवाई नहीं की तो रोड पर भी उतरने के लिए पीछे नहीं हटेगी आसपुरा ब्लॉक। आपको लगता है कि सिर्फ कागजों में रह गई है जो स्लोगन जो है कि महिलाओं को सम्मान दो, इनको पढ़ाइए, इनको बचाइए, बराबरी का हक है? XML ने हमारे पंचायत में जाके किया ना, मुझे ऐसा ही लगता है, कागजों पे है सिर्फ लिखा हुआ, सिर्फ कागज के नाम पे सरपंच है ये। आपको लगता है कि अब सरपंच मतलब डर लग रहा है कि कहीं इस्तीफा देने का मन तो नहीं कर रहा कि खौफ सा? हाँ सर, दे दूंगी, अगर मुझे देना ही पड़ेगा मैं दे दूंगी, जितने वो थ्रेड दे। आप रहने दीजिए ना, आप मत पढ़ाइए, आप ठीक है, आप वहाँ पे हो जाइए, ये उनको मुझे उनसे बात करनी है ना, क्या हुआ आप रिकॉर्ड आपने उनको खुल के वो जो बात कर रहे हो, तो डर लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत डर लगता है इससे मुझे, XML से। इन दो दिन में कोई आपको कोई थ्रेट वगैरह नहीं? नहीं, मुझे पहले जब से मैं सरपंच बनी हूँ ना तब से मुझे थ्रेट मिल रहे हैं, क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ ना, मैं कुछ कर नहीं सकती। अब सवाल उन पर भी उठता है जो शहर में, जो शहर के लोग हैं या फिर जो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते हैं, महिलाओं पर जब अत्याचार होता है तो तुरंत कैंडल मार्च, सड़कों पर उतर आते हैं, रोष प्रकट करते हैं कि महिला को इंसाफ दो, लेकिन 3 दिन का ये वाक्या हो गया और जम्मू की तरफ, जम्मू में इस बच्ची के लिए, इस सरपंच के लिए, इस महिला के लिए कोई भी लड़ने के लिए सड़क पर नहीं उतरा, कोई भी किसी ने निंदा, कड़ी निंदा तक नहीं की कि अगर इसके साथ ऐसा हुआ। और उन लोगों पर भी अफसोस होता है जिन लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ और वो खामोश रहे, किसी ने कोई पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। सर ये भी तो बनता है ना, क्यों सर? बिल्कुल जी, मतलब बड़ी निंदा ही गल है कि जरा इन्होंने MLA XML हमेशा इन्हीं विवादों में रहा, लेकिन आज हमने जो मीटिंग बुलाई अपना ब्लॉक मीरा साहब में, तो हमने एक फैसला लिया है, अगर प्रशासन इस बेटी, इस मेरी बहन के लिए
अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा तो हम बिल्कुल रोड में उतरेंगे, जब तक इसके हक में कोई फैसला नहीं मिलेगा। एक चोरी, दूसरा सीना चोरी, एक इसको पीटा इनके घर में जाके, तो रिपोर्ट भी इनके खिलाफ लग रही है। और दूसरा ये है कि एक मर्द की हिम्मत कैसे हो गई औरत को हाथ लगाने की, उसको टच करने की? मेरी बहन ने आपको एक क्यों बात नहीं बताई, ठीक है, लड़ाई होना था, चलो तुम बहस होती है, लेली अगर कोई शरीर पर हमला करता है उसकी हिम्मत कैसे होगी? क्या पता सर, अपने आप को अभी भी वो MLA समझता ना, एक्स MLA के अभी भी, अगर वो MLA होने का मतलब ये है कि जिसको चाहे पीट लो। अभी हमारी बहन ने आपको एक चीज बताने में ये शर्म महसूस कर रही है, जैसे कि जब वो उस वक्त अटैक हुआ तो इनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, वो कपड़े ये उतार कर दूसरे ने डालकर फिर यहाँ पर मेडिकल वगैरह पुलिस थाने में आई थी। ये इतना बुरा है, आपने वीडियो में देख ही लिया है वो सभी, मतलब आपके ऐसे मेरा पकड़ के दुपट्टा खींच के ना फेंक दिया। क्या शोभा देता है इससे आपको, लगता है कि शोभा मैं तो समझता हूँ कि शैम शैम सी बात है, ये पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया इस MLA ने, XML ने पूरे देश को, सभी की आंखें नीचे कर दी हैं। मैं तो समझता था कि अगर पिछला ट्रैक अच्छा नहीं रहा तो जब एक्स का इनके साथ MLA लग गया तो मैं सोचता था कि शायद हो सकता है कि वो पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करने का दिखाएंगे। मगर मैं तो आपके माध्यम से फारूक साहब को भी बोलूँगा कि आपने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, जैसे BJP वालों ने कि इसको पार्टी से सस्पेंड किया एक लड़की के साथ गलौनी हरकत करने के बाद, उनके पेरेंट्स का जो BJP के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक्शन लिया, आप भी इस महिला सरपंच के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इसके साथ बदतमीजी की है। मैं फारूक साहब को भी आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी इसको बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, इन्होंने ये भी बोला ना, ये जो सरपंच पंच हैं ये सब गुंडे हैं इनके, आपके एक वीडियो है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त, उसमें ये बोला गया है कि ये सभी गुंडे मवाली ये सरपंच हैं, इनको मैं देख लूंगा, सभी को टारगेट किया हुआ है। लेकिन सवाल ये बार बार मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि महिला पर इतना अत्याचार हुआ, शारीरिक तौर पर उनको यातनाएं दी गई, लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, और एक महिला पर हाथ उठाना गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वीडियो में जो दिखाई दे रहा है एक महिला के साथ उलझते हुए, तो क्या पुलिस खामोश क्यों है? आपको क्यों लगता है पुलिस क्यों खामोश है? क्या वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कंप्लेंट करवाए? कंप्लेंट सर मैंने करवाई हुई है। अच्छा, हाँ, कार्रवाई नहीं हुई उस पे। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं की तो अब यहाँ पे कार्रवाई के लिए आए? हाँ सर, SDM के पास भी हम आए थे अभी। तो क्या कहा SDM साहब ने? सर कहा, उन्होंने बोलता है करते हैं कार्रवाई। अगर ये किसी मामूली ने इंसान ने किया होता तो वो अब तक मुझे लगता है कि लाखों के पीछे चले जाता। क्यों सर? ये देखो, क्योंकि ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं प्रशासन में इनका, यानी कि अपना कोई रुतबा चलता है तो इसी वजह से, यानी कि हम आम नागरिक, ये तो सरपंच हैं तो आम नागरिक के साथ क्या करते होंगे इनके, अपन ये सरपंचों के आज ये हाल कर रहे हैं तो आम जो जनता उनके साथ क्या करते हैं? तो आप सभी सरपंचों को तो डर लग गया होगा, आप तो कोई काम भी नहीं करवाएंगे मेरे लगता है, करवाओगे कोई काम वगैरह? डरने डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दांत मल सब ऐसे शरीफ नहीं होते हैं, दांतों वाले लोग भी बहुत हैं। हम भी तीसरी बार जैसे ये तीसरे बने, मैं दो बार पहले सरपंच बना था, अभी मेरी मिसी सरपंच है। काम के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और मैं तो बोलता हूँ कि इसका कोई लिहाज नहीं है, बाकी डर वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत सख्त एसोसिएशन है। हम आपको दो दिन के बाद बताएंगे, आप भी वहाँ पे हमारे आएंगे, हम आपको बुलाएंगे। हम तो इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं की बात है, ये सरपंच आते रहेंगे, पोस्टें आती रहती है, पोस्टें चली जाती है, लेकिन महिलाओं का जो सम्मान है अगर एक बार खो गया तो दोबारा नहीं आता, और जिस तरह से इन पर जो अटैक हुआ है वो शर्मसार करने वाला है। तो अब आप कायम काम, मतलब अगर आपको ऐसी थ्रेट नहीं, कल को मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने गली बनाई, ठीक है, वहाँ पे आगे सरपंच साहब, आप यहाँ पर आगे पूर्व विधायक, तो वो गली मुझे लगता है उस पर लोग चलने से पहले ही वो उखड़ जाएगी, तो फिर हो गई ना लड़ाई। देखो मेरी बात सुनो, ये हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, अब जो यहाँ के विधायक हैं ही इज नॉट एट दिस टाइम MLA, वो पूर्व हो चुके हैं एट दिस टाइम। लोकतंत्र आपकी ज्यादा पावर है, मैं मेरे सुनो, सरपंच है जो मौके का वो ही जिम्मेवार है, लोगों का भी जो काम का भी वो जिम्मेवार है। इस वक्त जो रूल एज पर प्रोटोकॉल सरपंच का बनता है वहाँ पे उद्घाटन कर, पहले तो 23 तारीख तक कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते वहाँ तक कोई उद्घाटन वगैरह DC साहब ने बंद किए हैं, सरकार ने
जो सरपंच है वही अपनी पंचायत का जिम्मेवार है, तो वहाँ पूर्व विधायक नहीं आ सकता रिबन काटने के लिए, और खास करके मेरी पंचायत में तो आ नहीं सकता जो मर्जी हो। हम एज पर प्रोटोकॉल चलने वाले आदमी हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जब ये विधायक थे तब हमने एज पर प्रोटोकॉल इनको अपनी पंचायत में बुला के, गुलाब नबी आजाद साहब के पैसे से वो गली बनी थी, वो पार्क बना था, हमने एज पर प्रोटोकॉल इनसे रिबन कटवाया था, वो बनता था। लेकिन जब आदमी पूर्व हो, आज पीछे पंचायतें भांग रही, किसी पंचायत या सरपंच ने अपने पंचायत में इंटरफेयर नहीं किया, एज पर प्रोटोकॉल सरपंच का ही बनता है। आज ये जो घटना हुई है इस हमारी महिला सरपंच के साथ, मैं रियासत जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस में सचिव हूँ, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एज पर सरपंच परिवार, अगर इस मसले का सरकार प्रशासन हल नहीं करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आरस पूरा ब्लॉक के हम जितने सरपंच हैं, हम गवर्नर साहब के आगे अपने अस्तित्व में विश्वास न लाए, आप इस बहन को विश्वास दिलाना चाहते हैं सारी, हम सब सरपंच फैसला कर रहे हैं हम रिजाइन दे देंगे अगर यही हाल रहा, यही पॉलिसी रही। हम बहन के साथ हैं। वाकई देखिए, ये किताबों में या भाषण में बड़ा अच्छा लगता है जब ये कहते हैं कि सरपंच जो हैं वो सबसे बड़े हैं, मतलब कि अगर छोटी इसमें देखा जाए तो, लेकिन आपने देख लिया कि सरपंच का क्या हाल। सरपंच पर, महिला पर हाथ उठाना सबसे बड़ा गुनाह, और एक ओहदे पर होकर इस तरह से झगड़ा करना। हाँ सर, जब गवर्नर ने हमारी शपथ करवाई थी ना, तब उन्होंने बोला था कि जो एक सरपंच है अभी वो MLA है, इस टाइम उसकी स्टेज है जो वो MLA की होगी, फिर वो Ex MLA आके हमारी पंचायत में दखलंदाजी करता क्यों करता है? तो अब आप क्या? सर यही है कि ये रेस्ट होना चाहिए, इसके PSO हैं जो गुंडे हैं। अच्छा, PSO ने भी ये कुछ? हाँ सर, PSO ने हमला किया मेरे पे। अच्छा, हाँ वीडियो है हमारे पास, उन्होंने भी किया? हाँ उन्होंने भी किया। तो अब तो आपको मोदी साहब ने नारा दिया था, मेरा नाम राजा सिंह है, मैं सरपंच हूँ, मैं भी तीसरी बार इलेक्टेड हूँ। मोदी साहब ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं, ये सब चीजें मुझे लगता है ये काम नहीं, नहीं, नारा तो बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको देखो माना तो लोगों ने है ना, देखो माना तो लोगों ने है, उसमें मोदी साहब का क्या कसूर? बात मेरी सुन लेना, मुझे लगता है ये कागजों में, अगर हमारी बेटी है वो कंप्लेन लेके आई है Ex MLA के खिलाफ, तो उसके आज 3 दिन हो गए उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हम क्या माने? हम क्या माने कि ये कागजों में है? ये कागजों में ही है, ये कागजों में हमें हम देखते हैं कि 2 दिन अगर हमने SDM सिंह से मांगे हैं, उन्होंने लिखा है अपने DSP साहब को कि इस पर कार्रवाई करो, 2 दिन उन्होंने मांगे, 2 दिन के बाद हम देखते हैं अरेस्ट वाली कार्रवाई या फिर पूछताछ, जो भी है उन्होंने लिखा है पूछताछ करेंगे, क्या करेंगे, कागजों में रखेंगे, कैसे करेंगे, वो हम 2 दिन उनको दे रहे हैं, उसके बाद देखें हम गवर्नर से मिलेंगे कहाँ जाएंगे, वो हम अगला मीटिंग करके। बहुत 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 शुक्रिया सर, नहीं बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिरी बार आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब आप जो आपका ओहदा है, काम रेगुलर करते रहेंगे या लग रहा है कि हाँ डर, या फिर आप हिम्मत रख रही हैं, क्योंकि इस समय आपको हिम्मत की ही ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ सर, जितने सरपंच मेरे साथ हैं ना मेरे भाई, तो मैं हिम्मत रखती हूँ अगर ये मेरे साथ हैं तो, अगर ये मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं हिम्मत नहीं रख सकती, और सर मेरी जान को खतरा है, और मुझे वो थ्रेट भी देता है कि आपका परिवार ख़त्म कर देंगे, मुझे सर सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। चलिए बहुत बहुत आपको सर एक और बात बता दूँ कि हमारे जो अभी असेंबली डिसॉल्व होने के बाद जो 40 FC का पैसा था यहाँ पर, कुछ पंचायतों में उन्होंने प्लान रखा हुआ था, तो कुछ हमारे सरपंच साहिबान हैं वो खड़े हैं साथ में, चलिए वो बात है, पहले पहले ये वाला थ्रेटिंग करके पैसे की कमीशन मार रहा है कि आप ये पैसा मेरे फंड का था आप मुझे कमीशन दीजिए। नहीं सर, ये तो आरोप होते हैं ना, ये आप साबित नहीं कर सकते ना, देखिए जो कागजों में देखो ये आरोप होते हैं, ये आप साबित नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये आरोप, लेकिन जो मेन है ये है आपका, ठीक है ना, तो फिलहाल यही है कि पूर्व विधायक जो लगातार विवादों में रहते हैं, एक बार फिर विवाद में आ गए हैं, इस बार उन पर जो आरोप लगा है, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो एक महिला के साथ उलझ रहे हैं और हाथापाई कर रहे हैं, और वो महिला सरपंच हैं, और ये महिला सरपंच इंसाफ चाहती हैं, और ये कह रही हैं कि उन्हें जान को खतरा है। हम भी बड़े बड़े अधिकारियों
से भी ये कहते हैं कि इस मामले की जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ गवर्नर साहब को भी अपने उस वादे पर मोहर लगानी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सरपंच जो हैं उन्हें बाकायदा इज्जत दी जाएगी। अगर ऐसी इज्जत दी जा रही है पूर्व विधायकों की तरफ से तो फिर सवाल उठता है कि आपको सरपंच बनाने की ज़रूरत क्या थी अगर वो अपने लोगों के लिए काम ही ना करवा पाएँ। कैमरामैन राकेश के साथ ललित खजूरिया को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।